Hello students, very good morning. So till today we have completed up to exercise number 1.2. Now we are going to start our new exercise number 1.3. So let's begin with first question. Estimate each of the following using general rule. First, I am going to introduce you how what is general rule, what is nearest 100, what is nearest 10, and what is nearest 1000. You all know rounding of the digits. In the standard 5th, standard 4th, we have learned about this. But this is the basic introduction and basic information. Okay. So, first we are going to learn how we have to rounding off. First, you have to make the triangle. This is basic and simplest. Okay. Now, method. Now, 1, 2, 3 and 4, this side. Okay. 1, 2, 3 and 4, this side. Now, 5, 6, 7, 8. Okay? 5, 6, 7, 8. Understood? 1, 2, 3, 4, this side, right side, and 5, 6, 7, 8, 9 also. 9 also. 5, 6, 7, 8, 9, left side. Okay, now, here you can see. First, we will learn about nearest 10. Nearest 10. Suppose I have to rounding off the 18. 18. Okay. So, 18 mein first kya hai? 10. 1 hai. To iska 1 ka 10 karo. Aur ek 1 mein 1 plus karo. To 20. Do number aapko banane hai. Ek 10 aur ek 20. Phir wo triangle mein aapko put karne hai. To yahan pe 1, 2, 3, 4 likha tha. Yahan pe 5. 6, 7, 8 and 9. तो smallest means ये दो number जो हमने बनाए, 18 किसके बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है, तो smallest जो है उसको right side लिखो, biggest जो है उसको left side लिखो. फिर से ध्यान से समझना, ये method जो है आपको बहुत useful रहेगी. यहाँ पे 10, यहाँ पे 20. फिर second digit आपको check करना है, क्या है? 8 है, yes. तो 8 आपका कहाँ पे आ रहा है? This side. तो ये एरो कहां पे जा रहा है? नीचे. तो 8 का क्या हो जाएगा? 18 का 20. आपको क्या आंसर लिखना है? 20. अगर नियरेस्ट क्या है? 10. अगर नियरेस्ट 10 है, ओके, मींस टू डिजिट, ये 1s और ये 10s, सो नियरेस्ट 10. 18 का क्या हुआ? 20. सपोज नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नियरेस्ट 100. सपोज 165. 165, दिस इज 1s, this is 10s and this is 100. But we have to make nearest 100. Kya karna hai nearest 100? So first draw the triangle. 1, 2, 3, 4. Here 5, 6, 7, 8 and 9. Now nearest 100 karna hai. To yahan pe first digit kya hai? 1. To yahan pe 100 likho. Phir usme 1 plus karo. To kya ho jayega? 200. Get it? Now second digit aapko dikhna hai. Third nahi dikhna hai. Only second digit is what? 6. तो 6 कहां पे है? यहां पे. तो ये एरो कहां पे जा रही है? नीचे. तो क्या हो जाएगा? 165 का क्या हो जाएगा नियरेस्ट 100? 200. गेट इट? नाउ वन मोर थिंग. 165 सेम एग्जांपल लेंगे हम. 165 मैंने लिया नंबर, बहुत ये 3 डिजिट का नंबर दिया है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको नियरेस्ट क्या करना है? 10. नियरेस्ट 10 बोला है. ये 3 डिजिट है तो 100 हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा बोला कि इसका नियरेस्ट 10 करो, तो आपको कैसे करना है? तो 1, 2, 3, 4, सेम मेथड, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ओके, तो यहाँ पे ये 1 से, ये 10 से और ये 100. तो आपको क्या बोला है? नियरेस्ट 10 करने का बोला है. तो आपको 10s को और 1s को कंसीडर करना है, 100 की कोई जरूरत नहीं है. सो आगे 1 तो कंपलसरी रहेगा ही एज इट इज. ओके, अभी 65 है. तो 10s में फर्स्ट डिजिट क्या है? 10s में फर्स्ट डिजिट आपको क्या दिख रहा है? 6. 10 का डिजिट 6 है ना, ये 1s का 5. 100 का जो है वो एज इट इज रहेगा. क्यों? क्योंकि नियरेस्ट 10s बोला है. तो ये दो डिजिट हमारे काम के हैं, फर्स्ट डिजिट हमारा काम का नहीं है. तो 10s का डिजिट क्या है? 6 है. तो यहां पे 6 लिखो और पीछे लगा दो 0, 60. उसमें 6 में प्लस 1 करो तो क्या हो जाएगा? 70. ओके, 6 में सिर्फ प्लस 1 करना है, 0 तो एज इट इज रहेगा. तो ये 70 हो गया. अभी सेकंड डिजिट आपको देखना है, क्या है उसका? 5. तो 5 कहां पे जा रहा है? यहां पे नीचे जा रहा है. तो आंसर क्या आएगा आपका? 65 का क्या हो जाएगा?
170, लेकिन आगे जो 1 था वो एज इट इज रहेगा। तो 165 का 170 कब होगा, नियरेस्ट 10 बोला है तो। अगर नियरेस्ट 100 बोला होता तो क्या हो जाता, 200। आई होप आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। नाउ नियरेस्ट 2340। ओके, 2340 का बोला है कि आपको नियरेस्ट 1000 करना है। तो सेम मेथड पहले ट्राइंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नियरेस्ट 1000 बोला है। ओके, सो ये 2 है, पीछे के 3 जीरो कर दो, तो 2000 यहाँ पे लिखो, फिर 2 में प्लस 1 करो तो 3000 हो जाएगा, 3000 यहाँ पे लिखो। बाकी कोई डिजिट आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड डिजिट देखो क्या है, 3। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पे है, ये एरो कहाँ पे जा रहा है, नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 1200, इसका आंसर आपका आ जाएगा 2000 इज योर आंसर। नाउ अगर सेम अगर आपको दिया होता यही नंबर और आपको बोलते कि नियरेस्ट 100 करो, 2340 है, इसका हमने 1000 नियरेस्ट 1000 किया तो आंसर क्या आया 2000, लेकिन नियरेस्ट 100 बोला होता तो आप क्या करते, नियरेस्ट 100 बोला होता तो आपको क्या करना, ये 1, ये 10, ये 100 और ये 1000। नियरेस्ट 100 बोला है तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, ये 1000 वाला तो एज इट इज 2 रहेगा, तो 2 एज इट इज रख दो। फिर 340 का एस्टिमेट करो, तो 340, तो यहाँ पे 300 लिखो, यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो 400 आएगा। ओके, नाउ सेकंड डिजिट क्या है उसका, 4, तो 4 कहाँ पे, ये साइड, तो ये नीचे जाएगा, तो क्या एस्टिमेट हो जाएगा 300। तो 2 तो एज इट इज रहा, फिर पीछे क्या लिखना है 300। समझ में आया। सेम अगर इसी नंबर में नियरेस्ट 10 बोला होता, 2340 में नियरेस्ट 10 बोला होता तो आप क्या करते, नियरेस्ट 10, तो ये 1 है और ये 10 है, 100 और 1000 की कोई जरूरत नहीं, तो 2 एंड 3 एज इट इज रहेगा, नियरेस्ट 10 बोला है इसलिए 10 और 1 को ही यूज हम करेंगे, 100 और 1000 एज इट इज रहेगा, ये दो डिजिट ही हमें चेंज करने हैं। तो नियरेस्ट 4 एंड 0, तो 4 तो यहाँ पे 40 रहेगा और यहाँ पे 50, लेकिन 0 ही ऑलरेडी, अगर यहाँ पे 3 होता तो आप क्या करते, 3 यहाँ पे जाता तो आपका 40 हो जाता, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 6 होता तो कहाँ पे जाता, यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाता 50। समझ में आया, बेसिक था ये, अभी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ एक और बात, जनरल रूल क्या है, इसमें जनरल रूल बहुत जगह पे बोला होगा, जनरल रूल का मीनिंग ये है कि इसमें कुछ नहीं बताया होगा, सिर्फ आपको ऐसा बोलेगी कि आपको एस्टिमेट करना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपको नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि आपको नियरेस्ट मीन्स राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेट आपको करना है। तो उसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो आपको नियरेस्ट 10 करना है, अगर 3 डिजिट का नंबर है आपको, कोई भी नंबर जैसे कि 2, 4, 5, 3 डिजिट का नंबर है आपको तो नियरेस्ट 100 करना है, अगर 4 डिजिट का है जैसे कि 6890, तो आपको कितने डिजिट हुए 4, तो आपको नियरेस्ट 1000 करना है, जितने डिजिट उतना आपको करना है, 2 डिजिट है तो नियरेस्ट 10, 3 डिजिट है तो नियरेस्ट 100 एंड 4 डिजिट है तो नियरेस्ट 1000 करना है आपको, और कुछ देखना नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ओके, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। नाउ जनरल रूल में अभी बताया 3 डिजिट है तो क्या करना है आपको, नियरेस्ट क्या करना है, नियरेस्ट 100। तो 730 है तो आपको पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, नाउ नियरेस्ट 100 करना है, तो फर्स्ट डिजिट 7 है तो यहाँ पे 700 और यहाँ पे 800 आएगा, इतना तो आपको समझ में आएगा, प्लस 1 करना है। नाउ सेकंड डिजिट क्या है, 3, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये नीचे जाएगा, तो 730 का आपका आंसर क्या आ जाएगा 700, तो उसको हम साइड में लिख देते हैं, ये 700। ओके, सेम 998। ओके, 998, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 9 है, तो यहाँ पे 900 और 9 में प्लस 1 करो तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1000। ओके, अभी सेकंड डिजिट इसमें क्या है 9 है, तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो एरो कहाँ पे जा रही है, नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका नियरेस्ट,
एस्टिमेट क्या हो जाएगा इसका, 1000। ओके सो 700 प्लस 1000, 700 प्लस 1000, तो क्या आंसर आएगा आपका, 1700 इज योर आंसर यूजिंग जनरल रूल। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 796 माइनस 314। ओके 796 माइनस 314, तो 796 का हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो फर्स्ट डिजिट है 7, तो यहाँ पे 700 और यहाँ पे 800। नाउ सेकंड डिजिट है 9, तो ये 9 कहाँ पे जाएगा, नीचे, तो 800 हो गया इसका 800। नाउ सेकंड 314, तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, और फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट है 1, तो 1 का कहाँ पे जाएगा, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 300। सो 800 माइनस 300, 800 माइनस 300 क्या आंसर आएगा, 500 इज योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर, 500। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 12904। ओके सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, नाउ 12000 है, तो यहाँ पे 12000 लिखो, यहाँ पे लिखो प्लस 1 मीन्स 13000। सेकेंड डिजिट क्या है, 9, तो नीचे क्या जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका इसका क्या आएगा, 13000, 13000 आया। नाउ 2888, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 3000। नाउ सेकेंड डिजिट है 8, तो ये नीचे जाएगा 3000, उसका आया था 13000 और इसका 3000, तो 13000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 16000 इज योर आंसर। नाउ डी, नंबर डी इज योर होमवर्क, 28000 एंड 21000 इसका आपको नियरेस्ट करना है, ये 2 है तो ये साइड ही जाएगा, तो ये 28000 आएगा, और इसमें 4 है तो ये भी ये साइड, तो ये 21000 आएगा, तो 28 माइनस 21 मीन्स 7000 आएगा आपका आंसर। फिर भी आपको ये होमवर्क में खुद से ट्राई करना है, नंबर डी। ओके सो टिल टुडे दिस इज इनफ।